तो ये सिद्ध हो रहा है कि राजनीति की ही लग रहा है, क्योंकि कल एमसीडी ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि वो दिसंबर तक की सैलरीज दे चुके हैं। अगर दिसंबर की सैलरी दे दी तो जनवरी खत्म होने से पहले स्ट्राइक करा दी उन्होंने, और स्ट्राइक को पूरी तरह से दिल्ली के जो बीजेपी काउंसलर्स हैं पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, मेयर सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कॉरपोरेशन चलाने की, वो खुद हड़ताल करा रहे हैं। तो उससे तो लगता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, इसका राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पहली बात तो इनका ये भी नहीं पता लगता ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने सारी तनख्वाह दे दी है, ये नहीं पता, दिसंबर तक की दे दी है, कभी कहते 3 महीने की नहीं दी है, कोर्ट में कह रहे हैं दिसंबर तक दे दी है। तो अभी इनका तो कुछ भी क्लियर नहीं है, और हमें ये भी नहीं बताते कि पैसा कहाँ गया। मेरी जानकारी के अनुसार हाउस टैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा इनके पास। वो कहते हैं हाउस टैक्स ज़्यादातर लोग ये 3 महीने में ही देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में इनके पास सारा हाउस टैक्स आता है। कहते पूरे साल हाउस टैक्स आता ही नहीं है, तो जनवरी फरवरी मार्च में हाउस टैक्स आएगा तो पैसा तो इनके पास आएगा। तो ये एडवांस में ये कैसे कह सकते हैं हमारे पास कलेक्शन है? इनके पास टोल टैक्स भी आता है, हाउस टैक्स भी आता है, बाकी टैक्सेस भी इकट्ठे कर रहे हैं, सारे आएंगे।